तो कैसे हो भाई साहब? मेरा नाम राज, आप सभी लोग देख रहे हैं टेकी भाई साहब। आज हम बात करने वाले हैं इस पुराने वाले जियो फोन के बारे में। तो ये जो जियो फोन है, ये करीबन 2 से 3 साल का हो चुका है। मैं आपको जियो फोन की कहानी बताता हूँ, अपने साथ यहाँ पर क्या हुआ है जियो फोन का। सबसे पहले जब ये लॉन्च किया गया था, तब मैंने इसे बुक करा था और मैंने एक डिवाइस परचेज करा। वो डिवाइस करीब करीब मेरा 7 से 8 महीने या फिर 1 साल के अप्रोक्स चला और वो डिवाइस फिर डेड हो गया। उसके बाद मैंने ये वाला जियो फोन सेम डे परचेज करा, क्योंकि मेरे फादर को ज़रूरत थी और वो तभी के टाइम पे ओनली कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे। तो इस फ़ोन को लेने के बाद ये 3 से 4 महीने के बाद मैंने उन्हें स्मार्टफोन दे दिया, तो ये फ़ोन तब से पड़ा हुआ है। अब देखो इस फ़ोन में आपको क्या अच्छा मिल जाता है, क्या ख़राब मिल जाता है, अभी ये डिवाइस इतने दिन बाद कैसे काम करता है, और यहाँ पर क्या आपको 2021 में यानी कि अभी जियो फोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहे। सो भाई साहब, मेरे हाथों में है जियो फोन जो कि 2 साल से भी ज़्यादा पुराना यहाँ पर हो चुका है और ये डिवाइस अभी भी चल रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वाला फिलहाल कोई मेरे घर में नहीं है। लेकिन इस पर अभी भी एक सिम कार्ड लगा हुआ है और इनकमिंग कॉल इस पर आता है बहुत कम, क्योंकि घर पे और भी बहुत सारे डिवाइसेज हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन, बहुत सारे फ़ोन यहाँ पर हो चुके हैं, जिसके वजह से ये डिवाइस कुछ भी काम का फिलहाल नहीं है। तो मुझे लगा बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी जियो फोन परचेज़ कर रहे हैं या फिर परचेज़ करना चाहते हैं, या फिर जो लोग फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, जहां पर उन्हें पता लगे कि जियो फोन उन्हें अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहली बात भाई साहब, अगर आपको एक कीपैड वाला ही फ़ोन चाहिए तो वैसे में आप जियो फोन की तरफ जाओगे, क्योंकि जियो फोन ही एकमात्र आपको 4G वोल्टी सर्विस दे रहा है और जिसमें जियो फोन के प्लान्स काम करते हैं, यानी कि सस्ते में आपका यहाँ पर पूरा पूरी काम हो जाएगा। और ये हमारे देश का स्मार्टफोन नहीं, ओवर स्मार्टफोन है, क्योंकि भाई साहब इसमें जितने फीचर्स दिए हुए हैं आज तक किसी भी फीचर फोन में इतने फीचर नहीं दिए गए थे। एक्चुअली हुआ यूं कि गधे पर आपने बहुत ज़्यादा लोड देने से गधा क्या हो जाता है, वो दुबक के बैठ जाता है, और वही परिस्थिति यहाँ पर जियो फोन के साथ है। यहाँ पर जब आप किसी नंबर को डायल करने जाओगे तो आप देखोगे कि आप एक बार ही प्रेस करने पे 2-3 बार आपका वो नंबर डायल हो जाता है, प्रेस हो जाता है। मानो आप 1-2-3 प्रेस कर रहे हो तो ऐसे में आप देखोगे 2 आपका 2 बार प्रेस हो गया, 3 आपका 4 बार प्रेस हो गया। ऐसे में आप मानो आप किसी को फटाफट बहुत हड़बड़ी में कॉल लगा रहे हो तो ऐसे में आपसे गलतियां हो सकती है। इसका जो बटन्स हैं, जो कीपैड है, ये सही से काम नहीं करता है, ये ओवर स्मार्टली काम करता है। मतलब आपका 1 की जगह 2 बार प्रेस हो जाता है, 2 की जगह ये कभी कभी प्रेस ही नहीं होता है। तो ये इसका मेजर प्रॉब्लम देखने को मिला है। इसके बाद ये डिवाइस में आपको नॉर्मली बहुत टाइम पे आप देखोगे कि अचानक से इसका वोल्टी गायब हो जाता है, फिर से आपको वहाँ पर फ्लाइट मोड करना पड़ता होगा, और फ्लाइट मोड करने के बाद आप जैसे ही उसे फ्लाइट मोड को ऑफ करोगे उसके बाद फिर से वोल्टी आ जाता है। अब बैटरी बैकअप वगैरह इस डिवाइस का अभी भी बहुत ही अच्छा है, कैमरा वगैरह प्राइस के अकॉर्डिंग, इस डिवाइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, हम खराब नहीं बोलेंगे। अब देखो इसमें जितने सारे एप्लीकेशन दिए हुए हैं, यूट्यूब दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, इवन आपका इसमें UPI भी आपको मिल जाता है। तो ऐसे में मैं इन सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए सलाह आपको नहीं देता हूँ इस फ़ोन में, क्योंकि ये फ़ोन कॉलिंग के लिए अभी भी अच्छा डिवाइस है। लेकिन अगर आप इसकी स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करो, जैसे कि इसमें जितने भी सारे एप्लीकेशन दिए हुए हैं, अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हो इस डिवाइस में, तो ये डिवाइस हर एक दिन करीबन 4 से 5 बार ये हैंग होगा और ये पटकाएगा। मतलब आप इतने गुस्सा होगे इस फ़ोन से, इतने गुस्सा हो जाओगे कि आप इसे पटकने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि भाई साहब ये बहुत ज़्यादा लैग करता है डिवाइस। मानो आप कुछ ओपन कर रहे हो, ओपन हो ही नहीं रहा, मानो आपने व्हाट्सएप कुछ टाइम पहले यहाँ पर ऑन करा, फिर अभी आप यूट्यूब ऑन कर रहे हो, तो ऐसे में आप देखोगे कि आपका व्हाट्सएप से निकलते निकलते आपका मानो यूट्यूब आते आते भाई साहब सुबह हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट लगता है। ये फ़ोन पे स्मार्ट फीचर अगर ना दिए जाते तो देश का सही में ये बहुत ही अच्छा फ़ोन होता,
लेकिन ये ढंग का फीचर फोन तक नहीं बन सका क्योंकि इस पे लोगों को प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। नेटवर्क कवरेज की अगर बात करी जाए तो इस डिवाइस में बहुत ही अच्छा नेटवर्क कवरेज देता है, नॉर्मल जियो के दूसरे जो स्मार्टफोन में आप यूज़ करते हो जियो के सिम कार्ड, उससे बेहतर इसका नेटवर्क कवरेज है। ये मैंने हमेशा देखा है कि जियो फोन का नेटवर्क कवरेज बहुत ही बेहतर है। कॉलिंग के लिए डिवाइस सही है लेकिन इसके स्मार्ट फीचर्स के वजह से ये पूरा फोन इसको कचरा बना देता है। आप देखोगे इसमें जो बटन्स वगैरह है मेजरली प्रॉब्लम्स करते हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका जो कीपैड है यही है। अदरवाइज आप इस डिवाइस को ले सकते हो और मैं सलाह देता हूं अगर आप इस डिवाइस को लेके कॉलिंग करोगे तभी ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज आप इस डिवाइस को परचेज ना ही करो तो बेहतर है। और अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप परचेज तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी का दूसरा नाम फिलहाल जियो फोन हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का कमाल का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, वीडियो को जितना था उसके शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो दोस्तों मिलता को फ्रेश नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।